आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित का आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट दिखाने के बहाने उसे किशनगढ़ बुलाया था, लेकिन जब वो मौके पर पहुंची तो वहां उसे राजेंद्र और सनी नाम के दो शख्स मिले। दोनों शख्स उसे फ्लैट दिखाने के बहाने अपने साथ ले गए। महिला के मुताबिक आरोपियों ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा है। मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद राजेंद्र और सनी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। 32 साल की पीड़ित महिला हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक राजेंद्र और सोनू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय भी जो उनके बाकी सहयोगी हैं उनकी तलाश में टीम जुट गई है। यही नहीं बल्कि जिस तरीके से पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसको एक कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिला के दी और फिर वसंत कुंज इलाके में ही एक फ्लैट जहां पे वो दिखाने ले गए थे उस फ्लैट को वहीं पर उसके साथ सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसमें दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है कि बाकी लोगों की इसमें क्या भूमिका है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। और मनीष प्रसाद की रिपोर्ट आपने देखी। मनीष इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर है। मनीष, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक को हिरासत में, केस क्या पुलिस बना रही है? देखिए, राजेंद्र और सोनू है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा पुलिस ये भी देख रही है कि बाकी और कौन से लोग हैं जिन्होंने इनका सहयोग किया और साथ में ये नशीली दवाई कहाँ से लेके आए थे। ये बुधवार की दोपहर की घटना है जब ये पीड़ित महिला अपने घर जहांगीरपुरी से कालकाजी आई और फिर प्रॉपर्टी डीलर जो है उनके साथ और इन दोनों राजेंद्र और सनी भी उसके साथ थे और फिर वो यहाँ पर आने के बाद उन्हें कई फ्लैट्स दिखाए गए और फिर जैसे ही वो नशे की दवाई उनको दी, कोल्ड ड्रिंक में नशीली जो पदार्थ था वो मिला के दिया, उसके बाद वो जैसे ही बेहोश हुई उसके बाद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, अनकॉन्शियस होते ही किया गया। उसके बाद ये वसंत कुंज नॉर्थ थाने पहुंची पीड़िता, उन्होंने मामला दर्ज करवाया और दिल्ली पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव हो सकती हैं। मनीष, इससे पहले भी इन लोगों के खिलाफ किसी तरह के केस सामने आए हैं इस पूरे मामले में, पुलिस क्या बता रही है? दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को वेरीफाई कर रही है, खासतौर पे जो राजेंद्र हैं उसके जो पूरा क्राइम रिकॉर्ड है उसको देखा जा रहा है और साथ में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनका घर था, चाहे वो कालकाजी, किशनगढ़ और तमाम जगहों पर वसंत कुंज इलाके के करीबन 3 से 4 ऐसे अलग अलग ठिकाने थे जहां पर उनका घर था, जहां दिखाने ले गए थे, तो उन सभी घरों के जो कागज हैं उनको वेरीफाई कर रही है और साथ में ये भी देख रही है कि क्या इस प्रॉपर्टी डीलर की भी इसमें कोई भूमिका रही या नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका मनीष।